हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल पे आपका आज फिर से स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने कुछ नए फैक्ट लेकर के आया हुआ हूँ, जिसमें कि मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे फैक्ट बताने वाला हूँ जिसको कि आप देखना शुरू करेंगे तो इस वीडियो को चाह कर भी स्किप नहीं कर पाएंगे। तो आइए, पहला वीडियो में आपसे ये बताना चाहता हूँ कि आप क्या जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी भी लड़की है जो कि हीरे के आंसू रोती है। यार दोस्तों, आपने सुना होगा कहावत में खून के आंसू रोना, लेकिन लड़की के आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो वो हीरे के होते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि दुनिया में एक ऐसा जहरीला पेड़ पाया जाता है जो कि एक हत्यारे से कम नहीं है। वो इतना खतरनाक है कि आप उसकी परछाई से भी दूर भागेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हम लोग एक ऐसी लड़की के बारे में जानेंगे जो कि एक हॉलीवुड एक्ट्रेस का फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करके 10 साल की सजा पा गई। नंबर 5। फ्रेंड्स, फेमस एक्टर चार्ली चैपलिन के बारे में आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ये हॉलीवुड के मशहूर कॉमेडी एक्टर थे और इनके बारे में खास बात ये थी कि इन्होंने बहुत सारी ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स में काम किया जिसमें कि आवाज़ भी नहीं थी, सिर्फ म्यूजिक था, लेकिन लोग इनके एक्टिंग के दीवाने थे और इनके कॉमेडी को बहुत पसंद करते थे। हमारे बॉलीवुड के बहुत सारे अभिनेता अभिनेत्री, यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी उनके नकल करके बहुत सारी पिक्चर्स में सफलता पाई है। फ्रेंड्स, चार्ली चैपलिन के बारे में एक मज़ेदार वाकया ये है कि उनके सम्मान में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें कि लोगों को ऐसा मेकअप करके आना था कि वो बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह दिखें, यानी कि कौन सबसे अच्छा चार्ली चैपलिन की तरह दिखता है। तो उसमें बहुत सारे लोग तो भाग लिए ही, उसमें हमारे चार्ली चैपलिन ने भी भाग लिया था। और फ्रेंड्स, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि उस प्रतियोगिता में चार्ली चैपलिन खुद हार गए थे, यानी कि जितने लोग नकली चार्ली चैपलिन बन के आए थे वो असली वाले चार्ली चैपलिन से ज़्यादा ओरिजिनल चार्ली चैपलिन लग रहे थे मेकअप करके। है ना मजेदार फैक्ट। नंबर 4। क्या आप इस निशान को पहचानते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये रुपए का लोगो है, जैसे डॉलर का लोगो होता है वैसे रुपए का लोगो है। तो इस रुपए के लोगो के पीछे बहुत दिलचस्प कहानी रही है फ्रेंड्स। तो आइए जानते हैं इसकी दिलचस्प कहानी क्या है। सबसे बड़ी इसकी दिलचस्प कहानी यह है कि भारत सरकार ने इसके लोगो को डिजाइन करने के लिए बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया था और इसमें बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था। आखिर में इसमें से 3 लोगों को सरकार ने चुना, उसमें से एक डिजाइन फाइनल करना था। तो आखिर में 12 जुलाई 2010 को उदय कुमार धर्मलिंगम, जो कि तमिलनाडु के रहने वाले हैं, उनके डिजाइन को भारत के सरकार ने फाइनल किया और उनके लोगों को रुपए के लोगों के लिए अप्रूव किया। उनके रुपए के लोगों के अप्रूवल के बाद भारत सरकार ने उन्हें कुल 2.5 लाख रुपए इनाम के तौर पर दिए। दोस्तों, 2.5 लाख रुपए कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं होती है, लेकिन 2010 के हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक रकम थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस लोगों को बना करके उदय कुमार धर्मलिंगम जी भारत के इतिहास में अमर। देखने में ये लोगो है जो आपको बहुत ही आसान लगता होगा कि इसे कोई भी आसानी से ऐसे लिख सकता है, लेकिन इसको बहुत दिमाग से बनाया गया। जैसा कि मैंने कहा कि 2.5 साल का वक्त लगा था इसमें, तो इसको ऐसा बनाया गया था कि इसमें हिंदी का र और अंग्रेजी का आर दोनों शामिल हों, ताकि ये भारत और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इसको अच्छी तरह से पहचाना जा सके, ऐसे इसको डिजाइन किया गया था दोस्तों। नंबर 3। फ्रेंड्स, आपने हॉलीवुड की अभिनेत्री एंजेलिना जोली के बारे में तो जरूर ही सुना होगा। ये बहुत ही नामी अभिनेत्री है, स्क्रीन पे इसका फोटो देख सकते हैं, शायद देखने पे आप पहचान जाएं। बहुत सारे लोगों ने जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनकी बहुत सारी फिल्में भी देखी होंगी, इनकी काफ़ी सारी अच्छी अच्छी एक्शन फिल्में भी हैं। तो मैं इनके बारे में ये बताना चाहूँगा कि इनका एक पोस्ट ईरान की लड़की जिसका नाम सहर तवार है, उसने इनका कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और उसके चलते उस लड़की को 10 साल की सज़ा हो गई। दरअसल इस लड़की का गुनाह इतना था कि इसका चेहरा ऊपर वाले की दया से कहिए एंजेलिना जोली से काफ़ी मिलता जुलता है।
और इसने शुरू में अपनी फ़ोटो एंजेलिना जोली के से मिलते जुलते चेहरे की अपनी फ़ोटो जब सोशल मीडिया पर पोस्ट की तो ये काफ़ी चर्चा में आ गई। इससे इसका उत्साह ज़्यादा बढ़ गया और इसने अपना चेहरा जो है मेकअप से एंजेलिना जोली का ख़राब तरीके का दिखने वाला चेहरा बनाया। स्क्रीन पर देखिए, कई पिक्चरें आपको धीरे धीरे दिखेंगी। ऐसा चेहरा बना करके इस लड़की ने एंजेलिना जोली का सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसके चलते ये काफ़ी आलोचना की शिकार हुई और इसे ईरान में 10 साल की जेल हो गई। 10 साल की सजा ये लड़की अभी काट रही है। वैसे अखबार द गार्जियन के अनुसार इस लड़की के ऊपर बहुत और सारे संगीन इल्ज़ाम हैं, जैसे कि इस पे इश निंदा का इल्ज़ाम है, युवाओं को भ्रष्टाचार के लिए भड़काने का इल्ज़ाम है, लोगों को लड़ाई झगड़े के लिए उकसाने का इल्ज़ाम है, गलत तरीके से कमाई करने का इल्ज़ाम है, बहुत सारे इल्ज़ाम, और प्लस इसको लेकर के ये 10 साल की सज़ा काट रही है। इसने इस सज़ा से मुक्ति पाने के लिए कई बार बेल की अपील की, लेकिन इसकी बेल जो है मंजूर नहीं हुई। थक हार कर इस लड़की ने अभी एंजेलिना जोली के पास गुहार लगाई है कि उसको ये जेल से रिहा करवाएं। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या आपको नहीं लगता है कि सोशल मीडिया पे एक अभिनेत्री का फोटो थोड़ा सा बिगाड़ के ही सही पोस्ट करने के चलते किसी को 10 साल की सजा हो जाए, ये कहां तक सही है? नहीं, सोचे मत, सब्सक्राइब कीजिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर टू। अब मैं आपको दुनिया के सबसे जहरीले पेड़ के बारे में बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये पेड़ इतना जहरीला होता है कि कोई क्रिमिनल, खतरनाक से खतरनाक जो क्रिमिनल होता है आदमी के रूप में, उतना खतरनाक वो भी नहीं होता होगा जितना ये पेड़ होता है। अरे बाबा! क्योंकि क्रिमिनल को तो आप दूर से देख के पहचान जाएंगे या अपने बचाव में कुछ कर पाएंगे, लेकिन अगर आप इसे नहीं पहचानेंगे तो निश्चित तौर पे ये आपकी जान ले लेगा। तो आइए जानते हैं इस जहरीले पेड़ के बारे में। इस जहरीले पेड़ का नाम मंचीनील है दोस्तों। पिक्चर में देखिए ये कैसा दिखता है, झाड़ी जैसा होता है, लेकिन इसकी ऊंचाई 50 फीट ऊंची तक हो सकती है। ये कैरेबियन के क्षेत्र में पाया जाता है, वेस्ट इंडीज वगैरह की तरफ, मैक्सिको की तरफ। इस पेड़ की खासियत यह है कि इसकी पत्तियां और फल सब कुछ बहुत ही जहरीला होता है। इसकी पत्तियों की खासियत यह है कि अगर बरसात के दिनों में पानी अगर बरस रहा हो और आप गलती से इस पेड़ के नीचे खड़े हो गए तो इसकी पत्तियों से टपक करके पानी जो आपके शरीर पे पड़ेगा तो आपके उतने दूर के स्किन पे छाले पड़ जाएंगे, फफोले पड़ जाएंगे और आप काफ़ी परेशानी में आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आमतौर पे जितने जहरीले पेड़ होते हैं उनके फल आपने सुना होगा कि कड़वा होता है या तीखा होता है, लेकिन ठीक इसके उलट इस पेड़ का फल देखने में, जो कि बिल्कुल अमरूद या सेब की तरह होता है, काफ़ी आकर्षक होता है और खाने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। तो एक बार जो इसके फल को खाता है तो उसको लगता है कि बहुत टेस्टी और अच्छा कोई फल है, लेकिन कुछ ही मिनट के बाद उसको ऐसा उसके गले में फील होता है जैसे कि उसने बहुत कड़वी मिर्च खा ली हो, हरी मिर्च। उसके पूरे गले में लहर उठने लगता है और उसकी सांस की नली जो है धीरे धीरे बंद होने लगती है, लगता है उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, और उसके पेट में जो फल गया होता है वो तुरंत उसके आंतों में सूजन पैदा करने लगता है, यानी कि स्वेलिंग, और उसके बाद स्वेलिंग होते होते उसके पूरे शरीर में इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी कि आंतरिक रक्तस्राव होने के चलते वो जो है आदमी जो है मर जाता है। फ्रेंड्स, आंतरिक रक्तस्राव होने के पीछे रीजन ये है कि इस पेड़ का रस इतना खतरनाक होता है कि अगर इसके रस को कार पे लगा दिया जाए तो कार पे जहाँ पेंट होता है ना, उस पेंट को गला देता है। जबकि पेंट हम लोग के कार का ऐसा होता है कि उस पर मौसम के मार का असर नहीं होता है, या उस पर आप तेजाब अगर भी गिरा देंगे तो उस पेंट पे असर नहीं करता है, लेकिन इस पेंट का रस इतना खतरनाक होता है कि कार के पेंट को भी गला देता है। नंबर वन। फ्रेंड्स, आप में से सब लोगों ने दुनिया के 7 अजूबे के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें से एक अजूबा हमारा ताजमहल है भारत का, जो कि आगरा में है। दूसरा अजूबा चाइना का दीवार है, जो कि चीन में है। तो मैं इन 7 अजूबों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको 8वें अजूबे के बारे में बताना चाहता हूँ, जो कि अभी भी जीता जागता सबूत है, यानी कि वो एक जिंदा लड़की है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये लड़की फिलिस्तीन की रहने वाली हुस्ना मसलुमनी है। इस लड़की की खासियत यह है दोस्तों
कि जब ये रोती है तो इसके आंखों से आंसू नहीं हीरे के क्रिस्टल निकलते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। जब ये लड़की 12 साल की थी तब इसे फील हुआ, अपने स्कूल में थी जब ये रो रही थी किसी कारण से, तो इसकी आंखों से क्रिस्टल हीरा का निकला जो कि निकल करके ज़मीन पे गिरा। तो इसकी टीचर ने देखा, उसको देख करके बहुत हैरानी हुई और बाद में सिलसिला लगातार चालू हो गया। आज के डेट में इसकी आंखों से हर रोज़ 6 से 7 हीरे के क्रिस्टल निकलते हैं और ये जो है शीशे वगैरह काटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं, काटने के लिए बिल्कुल काम में लिए जा सकते हैं, एकदम हार्ड होते हैं। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि उसकी आंखों से इतना कठोर हीरा निकलता है जब, तो क्या उसको कोई हानि नहीं होती, उसकी आंखों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है? तो फ्रेंड्स, हमारी आंखों के पास यहाँ पे आँख के पास यहाँ अगर आप देखेंगे तो आँख के पास एक छोटा सा छेद होता है, यहाँ पर ग्रंथि होती है, क्योंकि जब हम लोग आँखों में कोई दिक्कत होती है तो इसमें से एक लुब्रिकेंट निकलता है जिसको कि हम लोग बहुत सारे लोग अपनी भाषा में कीचड़ कहते हैं उसको, तो वहीं से उस लड़की का ये क्रिस्टल निकलता है। और जब वो क्रिस्टल निकलता है तो एक तरह के लुब्रिकेंट में वो लिपटा होता है, यानी उसके ऊपर एक मुलायम झिल्ली जैसी होती है जिसके के चलते वो फिसल करके आसानी से आँख को नुकसान पहुँचाए बिना बाहर आ जाती है। और इसके विषय में बहुत सारे आपको फोटो और वीडियो मिल जाएंगे जो कि हम अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं, इसको आप देख लीजिए। तो ये था हमारा आज के वीडियो का आखिरी फैक्ट और आखिरी अजूबा। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स, हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो औरों के बीच इसे शेयर करिए और हमारा मनोबल बढ़ाइए ताकि हम आपको और भी अच्छे अच्छे जानकारी और अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको देते रहें। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।